डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. क्या लगता है आपको, क्या क्या डीमेरिट्स हो सकते हैं? आपने पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, क्या डीमेरिट हो सकता था, क्या गलती हो सकती थी? मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया था मास. अच्छा, और हाँ ठीक है, इसी से शुरू करते हैं. पहला आता है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन. और ये मैं लास्ट क्लास में आपको समझा चुकी हूँ कि इसके साथ क्या दिक्कत है ना. ये हमारी लॉन्ग फॉर्म का भी डीमेरिट है. वी आर नॉट सर्टेन कि हाइड्रोजन को रखना कहाँ चाहिए. इनको अल्कली मेटल्स के साथ रखना चाहिए कंसिडरिंग इट टू बी इलेक्ट्रोपॉजिटिव लाइक देम, या इनको हैलोजन्स के साथ रखना चाहिए कंसिडरिंग कि ये नॉन मेटल है उनकी तरह, डायटोमिक मॉलिक्यूल बनाता है उनकी तरह. ये मैं आपको लास्ट क्लास में पूरा समझा चुकी हूँ. तो ये पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर भी क्या बन गया, डीमेरिट बन गया. और एक बहुत इंपॉर्टेंट डीमेरिट है पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स. स्ट्रक्चर ऑफ एटम खत्म हो गया आप लोगों का? स्ट्रक्चर ऑफ एटम खत्म हो गया नहीं? पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स सुने, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसोस्टर्स, आइसोडायफर्स, जिनके जिनका मतलब जिनका जिनका मतलब मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल होते हैं, एलिमेंट होते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं. हाँ मतलब डिफरेंट एटम्स होते हैं. हाँ जिनका जिनका क्या डिफरेंट होता है, हाँ उनको बोलते हैं आइसोटोप. जैसे हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स हैं, ये तो याद होना ही चाहिए, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, है ना, याद है? तो आइसोटोप्स बेसिकली क्या होते हैं, एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम्स होते हैं, एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम्स. अब क्योंकि एक ही एलिमेंट के तो एटॉमिक नंबर तो सेम होगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के कितने भी कैसे भी एटम्स हो, सबका एटॉमिक नंबर तो वन ही होगा ना, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर वन है. तो एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम है पर एटॉमिक मास या बोलो मास नंबर डिफरेंट है, ठीक है? तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विद सेम एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर को कैसे सिंबलाइज करते हैं, जेड से, है ना, विद सेम एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर का सिंबल होता है जेड, बट डिफरेंट मास नंबर. मास नंबर का सिंबल क्या होता है, हाँ ए, ठीक है? तो इनके एटॉमिक नंबर क्या होंगे, सेम होंगे, और इनका मास नंबर क्या होगा, डिफरेंट. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के तीन तरीके के एटम्स हैं. तो क्योंकि ये हाइड्रोजन के हैं, सबका एटॉमिक नंबर कितना होगा, वन. लेकिन अगर इनके मास नंबर की बात करें तो इसका मास नंबर कितना होता है, वन, इसका कितना होता है, टू, इसका कितना होता है, थ्री. तो एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम, लेकिन मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट, ठीक है? इसका नाम है प्रोटियम. ये मोस्ट कॉमन आइसोटोप है, जो सिंपली अपन हाइड्रोजन बोलते हैं ना, तो यही कंसिडर करते हैं, वन वन वाला. इसका नाम है ड्यूटेरियम, और ये हो गया ट्रिटियम, ठीक है? तो ये हो गया प्रोटियम, प्रोटियम या सिंपली हाइड्रोजन बोल सकते हो आप इसको. ये हो गया ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम या फिर क्या बोलते हैं, हैवी हाइड्रोजन. हैवी वाटर सुना है, D2O, है ना? तो इसी का ही तो सिंबल है डी, इसका सिंबल है पी, ठीक है? ड्यूटेरियम या फिर हैवी हाइड्रोजन, जो हैवी वाटर में होता है. और ये हो गया ट्रिटियम, ट्रिटियम या फिर रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन. टी से शो करते हैं इसको, टी से डिनोट कर सकते हैं, रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन, ठीक, क्लियर? ये तो हो गए आइसोटोप्स. टेबल में क्या दिक्कत थी इनसे रिलेटेड, मेंडलीव की टेबल किस पर बेस्ड है, एटॉमिक मास पर. इन तीनों का एटॉमिक मास डिफरेंट है, तो मतलब हाइड्रोजन की तीन पोजीशन होनी चाहिए थी ना भाई, मास में तो ये तीनों डिफरेंट है,
लेकिन उन्होंने हाइड्रोजन को सिर्फ एक ही पोजीशन दी थी। ऐसे ही क्लोरीन के दो आइसोटोप्स होते हैं, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। तो क्लोरीन की दो पोजीशन होनी चाहिए थी, एक 35 के लिए, एक 37 के लिए। ऑक्सीजन होता है 16, 17, 18, तो ऑक्सीजन की तीन पोजीशन होनी चाहिए थी। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके आइसोटोप्स उस टाइम डिस्कवर हो गए थे। जब इनकी लास्ट टेबल पब्लिश हुई तो लोगों ने पूछना शुरू कर दिया, भाई इसमें आइसोटोप्स की पोजीशन कहाँ है, तुम बताओ। तो मेंडलीव इस बात का जवाब नहीं दे पाए थे। आ रही बात समझ में, कैसे बनाइए डीमेरिट? ठीक है, नेक्स्ट डीमेरिट क्या आ जाता है, थर्ड, जो आपने बोला कि कहीं कहीं इंक्रीजिंग ऑर्डर की जगह डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास फॉलो हो गया था, राइट? तो थर्ड डीमेरिट आ जाएगा, At some places, decreasing order of atomic mass was followed. Decreasing order of atomic mass was followed. जबकि होना चाहिए था increasing, right? But increasing की जगह decreasing order follow हो गया. For example, tellurium और iodine. पहले tellurium रखा इन्होंने, बाद में क्या रखा? Iodine. जबकि iodine का atomic mass होता है 127. और टेल्यूरियम का होता है 128. तो अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड आयोडीन को पहले रखना चाहिए था, टेल्यूरियम को बाद में। इन्होंने ऐसा क्यों किया कि टेल्यूरियम को पहले रखा, आयोडीन को बाद में? हाँ, क्योंकि अगर इनकी अदला बदली करते ना तो ऊपर नीचे वाले एलिमेंट्स मैच नहीं हो रहे थे। इसके ऊपर आ रहा था ब्रोमीन, क्लोरीन, है ना? अगर क्लोरीन ब्रोमीन के नीचे टेल्यूरियम रख देते तो टेल्यूरियम ऑड वन आउट हो जाता, प्रॉपर्टीज ही मैच नहीं करती। प्रॉपर्टी मैच करना ज्यादा इंपॉर्टेंट था एज कंपेयर टू ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। और जबकि टेल्यूरियम की प्रॉपर्टी किससे मैच करी थी? ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम वाले से। तो इन्होंने इनको क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया कि कोई बात नहीं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास हो जाएगा, पर प्रॉपर्टी मैच करना ज्यादा जरूरी है। बट ऑब्वियसली ये डीमेरिट बना कि भाई तुम्हारी मर्जी आ रही है तुम इंक्रीजिंग कर रहे हो, तुम्हारी मर्जी आ रही तुम डिक्रीजिंग करो, ये कैसा क्लासिफिकेशन हो गया? तो ये डीमेरिट बन गया। और ऐसा एक जगह नहीं, ऐसा काफी सारी जगह हो रहा था। ठीक, चलो, और क्या डीमेरिट था? दिखा सही सही चल रहे अपन, गलती तो नहीं है। और क्या डीमेरिट था? किसी को कुछ याद हो? बहुत सारी जगह ये जो प्रॉपर्टी मैच करने वाली बात थी ना, ये भी गड़बड़ हो रही थी। कुछ अनएक्सपेक्टेड एलिमेंट्स आ रहे थे, जैसे कॉपर और मरकरी काफ़ी हद तक सिमिलर हैं पर वो अलग अलग हो गए थे। और अगर तुम्हें याद हो, मैंने बताया था ना, पोटेशियम के साथ इन्होंने कॉपर को रख दिया था, याद है? रुबीडियम के साथ सिल्वर को रख दिया था। तो काफ़ी सारी जगह जो डिससिमिलर थे वो तो साथ में आ गए थे, और सिमिलर अलग अलग हो गए थे। ऑब्वियसली विच इज़ टोटली अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। भाई अगर ऐसा ही करना था तो क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत ही क्या थी, राइट? तो इन्होंने क्या किया, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ कैलकुलेशन में तो मिस्टेक थी। जैसे इन दोनों की वैलेंसी, पोटेशियम और कॉपर दोनों की वैलेंसी कितनी थी? 1। तो उन्होंने इन दोनों को ही फर्स्ट ग्रुप में रख दिया, राइट? बाकी चीज़ें देखी नहीं आसपास की। तो ऐसे बहुत जगह हो रहा था। तो डीमेरिट क्या बना? एनोमलस पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स, एनोमलस पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स। एनोमलस का मतलब एबनॉर्मल, विच इज नॉट एक्सपेक्टेड, विच इज नॉट करेक्ट, यस। और यहां पर एनोमलस पेयर्स का मतलब है जो सिमिलर एलिमेंट्स थे, दे वर सेपरेटेड, सिमिलर एलिमेंट्स वर सेपरेटेड, सिमिलर एलिमेंट्स वर सेपरेटेड एंड डिसिमिलर वर केप्ट टूगेदर, एंड डिसिमिलर वर केप्ट टूगेदर। एग्जाम्पल मैं आपको बता चुकी हूँ, आप अपने आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल। जैसे पोटेशियम कॉपर को साथ में रख दिया, विच वर डिसिमिलर, कॉपर मरकरी को अलग अलग कर दिया, विच वर सिमिलर, राइट? तो काफ़ी सारी जगह सिमिलर अलग हो गए, डिसिमिलर साथ में आ गए, तो ये भी बहुत बड़ा डिमेरिट बना। हाँ जी, माइक ऊपर करूँ? और क्या डीमेरिट है? पोजिशन ऑफ लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, पोजिशन ऑफ लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। क्या होते हैं लैंथेनाइड्स एक्टिनाइड्स? वो, हाँ वही 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 वही, हाँ, एफ ब्लॉक वाले नीचे हैं,
तुम्हारी टेबल, टेबल को खोल के रखो, जब तक तुम्हें पूरी टेबल याद नहीं है ना, टेबल को खोल के रखो। टेबल के नीचे दो लाइंस हैं, है ना, एक चल रही होगी आपकी सीरियम से ल्यूटेशियम और एक चल रही होगी थोरियम से लॉरेंशियम तक, है ना। ये क्या है, ऊपर वाली लाइन लैंथेनाइड्स की है, ऊपर वाली लैंथेनाइड्स की है, नीचे वाली एक्टिनाइड्स की है, राइट। तब सारे डिस्कवर तो नहीं हुए थे, कुछ कुछ डिस्कवर हुए थे, बट उनको टेबल में प्रॉपरली प्लेस नहीं किया गया था, तो ये भी क्या बन गया, डीमेरिट बन गया, ठीक है। फिर एक और डीमेरिट इनका कौन सा आया, जो इनका एट्थ ग्रुप था, लास्ट क्लास में ही बताया था, इन्होंने क्या किया था, एट्थ ग्रुप में तीन एलिमेंट्स को एक साथ रख दिया था। जैसे ये एट्थ ग्रुप है, तो इन्होंने तीन एलिमेंट्स, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ऐसे तीन एलिमेंट्स को एक साथ रख दिया था। तीनों सिमिलर हैं नो डाउट, बट दे आर नॉट सेम, है ना। तो इन तीनों को एक ही ग्रुप में रखना जस्टिफाइड नहीं था, तो ये क्या बन गया, इनका डीमेरिट बन गया। और इनको ये जो ऐसे जो इन्होंने बनाए, ये तीन तीन के ऐसे ग्रुप्स बनाए, इनको बोलते हैं ट्रांजिशन ट्रायड्स, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, है ना। तो इनको बोला जाता है ट्रांजिशन ट्रायड्स। तो इन्होंने क्या किया, एट्थ ग्रुप में ऐसे तीन तीन के ग्रुप बनाकर एलिमेंट्स को प्लेस कर दिया, विच वॉज रॉन्ग, विच वॉज नॉट जस्टिफाइड, तो ये भी एक डीमेरिट बन गया। और सबसे बड़ा डीमेरिट, सबसे बड़ा डीमेरिट, जब इनसे पूछा गया कि ठीक है आपने अपना लॉ दे दिया कि एटॉमिक मास के फॉर्म में ऑर्डर में अरेंज करोगे एलिमेंट्स को तो प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी, यही था ना इनका लॉ, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, कि अगर आप एटॉमिक मास को अरेंज करोगे तो एलिमेंट्स अपने आप अरेंज हो जाएंगे, और कैसे अरेंज होंगे कि प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी, भाई लिथियम की प्रॉपर्टीज सोडियम पर रिपीट हो रही है, सोडियम की प्रॉपर्टीज पोटेशियम पर रिपीट हो रही है, इनका लॉ था, इसी लॉ पर इनकी टेबल बेस थी। जब इनसे पूछा गया ऐसा क्यों हो रहा है कि प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हैं, आप ये एक्सप्लेन करो कि पीरियोडिसिटी क्यों है आपकी टेबल में, क्यों सोडियम की प्रॉपर्टीज पोटेशियम पर रिपीट हो रही हैं, क्यों पोटेशियम की प्रॉपर्टीज रुबिडियम पर रिपीट हो रही हैं, तो ये इस बात का एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए थे। अब तुम सोचो ये कितनी बड़ी बात है, मैं तुम्हें कुछ बोलूं और फिर तुम मुझसे पूछो मैम जरा इसको एक्सप्लेन कर दो, मैं बोलूं अरे मेरे को तो एक्सप्लेन करना ही नहीं आता, मुझे खुद को ही नहीं पता, तो ये कितनी बड़ी बात हो जाएगी ना, कि मैंने अपना कोई लॉ दे रखा है, कोई मेरा स्टेटमेंट है, कोई मैंने अपनी बात बोली और जब मुझसे पूछा जा रहा है तो मैं अपनी ही बात को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, जिस पर मेरी वो पूरी चीज बेस्ड है, जिस पर पूरा क्लासिफिकेशन बेस्ड था, ये अपने लॉ का ही एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए, और ये बहुत बड़ा क्या बन गया, डीमेरिट, ठीक है। तो डीमेरिट क्या बना, ही कुड नॉट एक्सप्लेन क्या, द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, द रीजन ऑफ पीरियोडिसिटी, द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, जो रिपीटिशन हो रहा था प्रॉपर्टीज में वो क्यों हो रहा था, ये इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और ये सारे क्या बने, इनके डीमेरिट्स।